हमने शुरू कर दिया। आई होप तुम्हें स्क्रीन नजर सामने आ रही होगी, है ना बेटा? सुने Yes, एकदम, है ना, वो गिनी चुनी टेक्निक है उसकी सॉल्व करने की, है ना। देख सुन, वो टेक्निक याद कर लेते हो तो बस। क्या है कि भाई ये धरती माता है। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में करना है सबसे पहले, तो ये बात याद रखना। देखो तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर, ठीक है। अच्छा भाई, ये था 2 किलो का, ध्यान से देखना, मैं डेटा गलत ना लूँ। मुझे याद नहीं है कल का डेटा क्या था, तो जो भी ले रहा हूँ ठीक है, देख लेना। अगर कल का जैसा निकला है तो कोई बात नहीं, मैं तो अपनी मर्जी से ले रहा हूँ ऐसे कुछ भी। और तो मैंने बोला मान ले इसके ऊपर अपन फोर्स, इसके ना लगा रखा था मैंने कल, बताना एक बार ज़रा कितना लगा रखा था। चलो 10 न्यूटन लगा देता हूँ, मुझे नहीं पता कितना था। इसके ऊपर लगा देते हैं मान लो 2 न्यूटन, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। तो तुम्हें बोला गया कि फाइंड आउट द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, ठीक है। सवाल क्या बोला गया, सवाल इस तरह से बोला गया कि फाइंड आउट द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, ठीक है। फाइंड आउट द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। तुम देखो तुम्हारे सीनियर्स जो है ना, उनको उन्होंने एलन वाला प्रोग्राम हम लोगों ने उनको ज्वाइन करवाया था, तो उनका जो है कायदे से वो आरपीएस वाली सीरीज नहीं देते, वो एलन वाली सीरीज देते हैं। और एलन वाली सीरीज में भाई साहब नंबर लाना कोई मतलब टेढ़ी खीर है। अब तुम देखो फिजिक्स में हमेशा उनके नंबर सबसे ज्यादा आते हैं, और सन्नाटों, बात समझ आ रही है? तो ऐसा ही अपने को भी करना है भाई साहब, बहुत अच्छा बढ़िया मेहनत करनी है, क्योंकि फिजिक्स होती है बहुत टफ। तो अगर तुमने फिजिक्स को अगर आड़े हाथों लेके रखा हुआ है ना ढंग से, तो भाई साहब कोई सब्जेक्ट तुम्हारा वीक नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ देखो, और के आपको दिया गया था मान लो 100 ले लेता हूँ मैं तो, के या 10 ले लो, जो भी ले लो, मन मन करे ले लो, मैंने तो बोला 100 ले लेता हूँ, चलो के आया 100 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो सबसे पहली बात, तो सबसे पहला काम बेटा क्या करना है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास में सॉल्व करना है, तो पहले सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हमें पता होना चाहिए, है ना। देखो सुनो, तो इसका एक्सेलरेशन कितना है बताना जरा, एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg कितना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कितना है? 10/4, हाँ ना बोल। अरे यार 5/2 m/s² यही तो है। अरे एफ इज इक्वल टू एम ए, सन्नाटो 10/4 है ना, तो ये आ गया 5/2। इसी प्रकार से इसका एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg वो कितना है? 1 m/s², ठीक है। ये इस तरफ है और ये है इस तरफ, क्या बात समझ आ गई? तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या, m1 a1 प्लस m2 a2 डिवाइडेड बाय m1 + m2, क्या बात समझ आ गई हमें? अरे यार ये इंटरनेट को क्या हो गया चलते चलते। बेटा क्या मेरी बात समझ आ रही है तुम लोगों को? ओ अच्छा, ऑडियो नहीं आ रही मेरी यार, आवाज तुम्हारी सर बारे पहले में ऐसा होता है यार, मैं 2 क्लास में नहीं आ जा रही चुका सर। यार, 2 क्लास में ऐसा नहीं हुआ, तुम्हारे साथ ही देखो मेरा इंटरनेट भी, हाँ मुझे समझ आ रहा है गड़बड़ कर रहा है नीचे, ये दिख रहा है। अब बोलो आवाज़ आ रही है मेरी? अब आवाज़ आ रही है ना? यस सर, यस अच्छा सर, यहाँ आ जाओ। आ यस रही है सर, सर, हमारे साथ क्यों यस नहीं होती, सर। पता नहीं उनके साथ क्यों नहीं होती। यहाँ देख सुन, तो इसका एक्सेलरेशन हो 5/2 इधर, इसका 1 इधर, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आया, m1 a1 + m2 a2 डिवाइड बाय m1 + m2, बोल हाँ ना तो बोल, बात समझ आई? अरे यार यही होगा ना, अब तो आ रही है मेरी आवाज, यस सर, है ना। तो देखो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऐसे निकलेगा भाई, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तो चलो आ जाओ अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं, और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पहले निकाल लेते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होने कितने वाला है। तो मैंने कहा ठीक भाई बहुत बढ़िया निकाल लेते हैं, आ जाओ। तो क्या आएगा, m1 * a1, चलो इसे m1 काउंट कर लेता हूँ, तो ये आया 2 * कितना, 2 * अरे 2 * -1, क्या बात समझ आई? अरे हाँ ना बोल, 2 * -1 यस सर, प्लस कितना आएगा, प्लस फोर यस इंटू 5/2 और डिवाइड बाय सिक्स, क्या बात सर, समझ आ गई? 6 बेटा 6, m1 + m2 नहीं आया। सिक्स अच्छा भाई बहुत यस बढ़िया, सर, तो मैंने कहा आ तेरी बात समझ गया आ गई। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ गया बेटा, ये आ गया देख माइनस का 2 और प्लस का ये आया 2, है ना, 2 आ जाएगा ऐसे, तो प्लस का 10 आ जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 8, हाँ ना बोल दे यार, है ना। तो 8/6, इसका मतलब क्या, कितना, 4/3 और मीटर और पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्या बात समझ आ गई तुम्हें? अरे यार हाँ ना बोलो। तो बेटा यस अब जो सर, नया सिस्टम है ना, देख अब जो नया सिस्टम बना वो ऐसा बना, देख ये 2 किलो था ना, और ये था 4 किलो, देख ये था 4 किलो, और इधर फोर्स लग रहा था 10 न्यूटन, इधर फोर्स लग रहा था कितना, फिर से इंटरनेट चला गया है, 2 न्यूटन, इधर लग रहा था 2 न्यूटन, सर आपकी आवाज में करता हूँ
देखो आ जाओ, तो भाई एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना था बोलो। अब देखो क्या था ना, ये था 100 न्यूटन पर मीटर, ठीक है 100 न्यूटन पर मीटर। और आप देखो बेटा, अब था ना एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आपने निकाल लिया, तो अगर मैं ऐसा बोलूँ कि तू चीटा बन के सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ही बैठ जा, ठीक है, तो तेरा एक्सेलरेशन कितना है, तेरा एक्सेलरेशन है 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ आई, क्या मेरी बात समझ आई, फिर से गड़बड़ हो गई, ठीक है। आप कहाँ बैठ जाओ, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बैठ जाओ। तो मुझे एक बात बताओ, ये सेंटर ऑफ मास जो है ये एक्सेलरेटेड फ्रेम है कि नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम है, एक्सेलरेटेड फ्रेम है ना, एक्सेलरेटेड है ना, तो एक्सेलरेटेड फ्रेम है तो मतलब कि इनर्शियल फ्रेम हुआ कि नॉन इनर्शियल फ्रेम हुआ, बोल बोल बोल, इनर्शियल फ्रेम हुआ कि नॉन इनर्शियल फ्रेम हुआ, अरे नॉन इनर्शियल फ्रेम है ये, क्योंकि एक्सेलरेशन है ना सिस्टम का। अरे यार सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है कि नहीं है, yes, है? तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक और एक्सेलरेशन लगता है, कौन सा, एक और फोर्स लगता है, कौन सा, सूडो फोर्स। अरे yes, यार, और सूडो फोर्स कहाँ लगता है, सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन की उल्टी दिशा में है ना, सिस्टम के एक्सेलरेशन की उल्टी दिशा में लगता है। तो 2 kg पर जो सूडो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा, और कितना लगेगा, मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, अरे यार yes, sir. है ना एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, तो ये लग गया पीछे। अच्छा 4 kg पर भी सूडो कहाँ लगेगा, पीछे, क्योंकि एक्सेलरेशन आगे है ना, तो कितना लगेगा, ये लगेगा 4×4/3। दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना, आगे सर, अरे हाँ ना तो बोल दे, पक्की बात एकदम, यस सर। अच्छा तो मतलब कि देख 2 kg पर ना बेटा, तू ध्यान से देख, तो 2 kg पर जो नेट फोर्स लग रहा है ना उसकी दिशा ये है, और वो कितना है, कितना है 2+8/3, यार तुम्हें नहीं आया, तो 3×6 तो कितना हो गया 14/3। यस सर, उसी प्रकार से इसके ऊपर भी जो नेट फोर्स है, देख ये तो 10 तो ज्यादा है ना, तो इस तरफ लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा, 10+16/3, यार तुम्हें नहीं आया, 10-16/3, यार तुम्हें नहीं आया ना, आया सर, तो ये भी कितना आ गया 14/3, अरे हाँ ना तो बोल, यस सर। अच्छा तो इसका मतलब ये है कि अब जो नेट फोर्स है ना हमारे पास, अब जो नेट फोर्स है इतना, ठीक है, नेट फोर्स है इतना। मुझे एक बात बताओ, दोनों बॉडीज के ऊपर फोर्सेस तो सेम है, पर क्या दोनों के मास अलग अलग है कि सेम है, अलग अलग है ना, तो मतलब कि दोनों का जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो अलग अलग होगा कि सेम होगा, अलग अलग होगा, हाँ ना बोल, अरे अलग अलग होगा ना, अरे यार दोनों बॉडीज का मास अलग अलग है ना, तो दोनों का एक्सेलरेशन भी अलग अलग होगा, और दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग, अगर अलग अलग है तो क्या दोनों के द्वारा जो ट्रेवल डिस्टेंस होगा क्या वो भी अलग अलग होगा, है ना। तो देख ध्यान से देख, मैंने बोला देख स्प्रिंग असलियत में ऐसी थी, देख शुरू में स्प्रिंग ऐसी थी, है ना, मैंने बोला कि चल मान ले एक्स तो यहाँ मूव कर गई, मैंने बोला मान ले X1 तो यहाँ मूव कर गई, और मैंने बोला X2 यहाँ मूव कर गई, और ये मैक्सिमम एक्सटेंशन हो गया, मैंने बोला तो मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना हुआ, बोल कितना हुआ मैक्सिमम एक्सटेंशन, एक्सटेंशन बोल, अरे X1+X2, तुम्हें समझ ही नहीं आया ना, यस सर, X1+X2 यही तो एक्सटेंशन, यार तुम्हें समझ ही नहीं आया यार, अरे हाँ ना बोल, तो ध्यान से देख, तो ये X1 क्यों हुआ है बेटा, क्योंकि इस 14/3 ने काम करा है, अरे यार इस 14/3 ने काम करा है तो एक्सटेंशन हुआ है ना, अरे Yes, इस 14/3 ने काम करा है तो ये एक्सटेंशन हुआ है, yes, sir. और इन दोनों के द्वारा किया गया काम क्या स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया है, क्योंकि स्प्रिंग खिंच गई है, yes, तो मैं नहीं आया, तो देख मैंने क्या लिखा, देख मैंने बेटा ये लिखा एक लाइन में, क्या लिखा मैंने, F1x1+F2x2 = ½ k और X1+X2 का होल स्क्वायर, तुम्हारे तोते उड़ गए यार, नहीं आया ना, no, sir. अब ध्यान से देख F1 कितना था 14/3 और साथ में X1 + ये आया 14/3 और साथ में X2 = ½ और 100 और X1+X2 का होल स्क्वायर, यार हाँ ना तो बोलो यार, 14/3 आ गया कॉमन और ये आया X1+X2 और = 1/2, अच्छा 50 कर लो इसको तो सीधा, है ना, इसको तो कर लें 50 और ये आया X1+X2 का होल स्क्वायर, तो ध्यान से देख, तो एक X1+X2 ने एक X1+X2 को मार दिया, तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना, तो X1+X2 = ये कितना हो गया 7/75, यार नहीं आया,
ये कट जाएगा ना 2 से, 25 से कट जाएगा ना, 2 सते 14 है ना, ये आया 25, है ना बोल, तो कितना आया 7/75 और मीटर। क्या बात समझ आ गई हमें? Yes, sir. 110% टोटल एक्सटेंशन है ना सर? हाँ, टोटल एक्सटेंशन है बेटा, मैक्सिमम एक्सटेंशन टोटल एकदम, वही तो पूछा था। अलग अलग पूछे तो सर, अलग अलग पूछे तो x1 plus x2 अलग अलग निकाल दो, टोटल ये रहा है ना, और एक के द्वारा किया गया तुम यहाँ से निकाल ही सकते हो। अरे यार yes, दो एक वजन दो वेरिएबल yes, बात खत्म। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना बेटा? f is equal to k into x1 लगा सकता है कि नहीं लगा सकता? फोर्स इक्वेशन लिख सकता है ना स्प्रिंग की? हाँ सर, हो जाएगा, हो जाएगा ना। अच्छा सुनो, आ जाओ बताओ मुझे, इस तरह के फोर्स निकालने वाले सवाल, एक्सेलरेशन मैक्सिमम एक्सटेंशन निकालने वाले सवाल, बोलो कर पाओगे नहीं कर पाओगे? सेंटर मास फ्रेम में कर लेंगे सर। कर दोगे ना? तो एक सवाल अब तो मुझे करके दिखा दो यार, ताकि मेरे मन में शांति आ जाए, फिर मैं आगे बढ़ पाऊंगा। ठीक है, यहाँ देखो, अब मैं तुम्हें इंपल्स इंपल्स पढ़ाने वाला हूँ अच्छे से। ठीक है, यहाँ देखो, तो भाई साहब क्या करने वाले हम लोग, यहाँ पर सुनो जरा ध्यान से देखो। तो मैंने बोला कि मान लीजिए भाई साहब ये है एक डब्बा और ये है एक डब्बा, अब्बा डब्बा जब्बा, यहाँ देखो ध्यान से देखो। तो मैंने बोला ये 2 किलो का, भाई साहब ये 3 किलो का, मैंने बोला कि भैया इस पे फोर्स लग रहा है 6 न्यूटन, मैंने बोला इस पे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, ओके, और मैंने बोला ये है बीच में एक स्प्रिंग, ठीक है, और स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो मान लीजिए 100 न्यूटन पर मीटर। मैंने बोला कि फाइंड द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, बोलो बता सकते हो क्या? अरे yes, हाँ बता दो, चलो कर दो काम। देखो यहाँ सुनो, सबसे पहले एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास निकालो, बताओ एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg कितना रहे, कितना है बोलना? 2 - 5। अरे 6 है ये, 3 है इसका तो। हाँ 2, हाँ सर 2 माइनस है इसका, बोल है ना, और इसका कितना है 2 का कितना है माइनस का 5 ले जाएगा है ना। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आएगा, m1 a1 है ना, तो मतलब के माइनस का 10 है ना, प्लस m2 a2 मतलब के प्लस का 6 है ना बोल, और डिवाइड बाय m1 प्लस m2 है ना, तो ये कितना आया माइनस का और 4/5 और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ ना बोल दो यार, तुम्हें दूर yes, समझ नहीं आया ना? अब देख, तो देख इसके ऊपर इसी डायग्राम में बनाता हूँ, देख मैं तो देख यही बनाता हूँ, देख तो इसका मतलब है कि आपका जो सेंटर ऑफ मास है, आपका जो सेंटर ऑफ मास है ना वो इधर जा रहा है, इधर है ना, और कितने से जा रहा है 4/5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, हाँ ना, तो बोल इसका तो ये मतलब हुआ ना, तो इसका मतलब कि इस पे सूडो लगेगा, इस पे सूडो लगेगा इधर, कितना लगेगा 4/5 × 8 मतलब कि 8/5 न्यूटन, हाँ ना बोल यार, सन्नाटो yes, sir. और इस पर सूडो लगेगा इधर, क्योंकि सेंटर मास इधर जा रहा है, इधर सूडो लगेगा, कितना लगेगा बोल 4/5 × 3, अरे यार 4/5 × 3 मतलब के 12/5 न्यूटन, आया थोड़ी तुम्हें है ना, तो ध्यान से देख, तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स आएगा उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, यही हो जाएगी ना, अरे यार 10 + 8/5 नहीं आया, तो ये हो गया 58/5 न्यूटन, देखना मैं कैलकुलेशन में गलती ना करूं, बस 58/5 न्यूटन माइनस होगा ना सर? अच्छा माइनस हो जाएगा ना, हाँ ठीक कह रहा है बेटा, ध्यान दो मैं कैलकुलेशन में गलती ना करूं, मुझे कुछ नहीं आता, बस और कंसेप्ट आता है बस, मुझे और कुछ भी नहीं पता, ध्यान से देख, तो 10 - 8/5 तो हो गया 50 - 8 मतलब के 42/5 न्यूटन, सही कर रहा हूँ क्या? अच्छा ध्यान से देख, ये हो गया 12/5 + 6 तो 6 + 30 = 42 हाँ ना बोल, Yes, sir. बहुत बढ़िया भाई साहब, देख एक लाइन में आंसर लिखते हैं, आ जाओ, तो देख 42/5 और x1 + x2 = 50 × x1 + x2 का होल स्क्वायर, तुम्हें आया तो है ही नहीं आगे से, है ना, हाँ ना बोलो, तो x1 + x2 = 42/250, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? आ गया सर, आ गया 110% एकदम
यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, खुश कर दिया तुमने एकदम, है ना। बेटा सुनो, यहाँ पर एक और सवाल अब मैं तुम्हें करवाता हूँ, देखना जरा ध्यान सुनना। ये सवाल भाई साहब है वैसे आसान सवाल, पर ये तुम्हें सेंटर ऑफ मास का देखो मैं तो सिखा देगा कि यार देख सेंटर ऑफ मास का यार बड़ा महत्व है यार जीवन में यार, है ना। यहाँ सुनो, जीवन में ना हो पर तुम्हारे फिजिक्स में बहुत महत्व है, ठीक है। यहाँ सुनो, और बिना फिजिक्स के जीवन नहीं है, तो जीवन में महत्व है मतलब की, है ना। यहाँ देखो, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, तो सी इज इक्वल टू सी, ऐसे। तो यहाँ सुनो, देखो मैंने बोला कि मान लो ये ना एक बेटा बॉडी है, ठीक है, 1 किलो की बॉडी है, ओके। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, ये समझ लो एक मासलेस रॉड समझ लो, ठीक है, मासलेस रॉड समझ लो, ठीक है, ऐसा कोई मास नहीं है, ठीक है, मासलेस रॉड। ये भी चीज़ें फिजिक्स में ही दिख सकती हैं, फालतू चीज़ें असल ज़िंदगी में नहीं होती, मासलेस रॉड, ठीक है। ये सुनो, ये 1 किलो की बॉडी थी, मैंने बोला ये है मान लो 2 किलो की बॉडी, ठीक है, ये है 2 किलो की बॉडी, ठीक है, ऐसा है मान लो, ठीक है, इस तरह से। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये जो 2 किलो की बॉडी है, अगर ये आगे चलना शुरू करे 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, तो होगा क्या, क्या होगा, क्या सर्कुलर क्या ये सिस्टम सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करने लग जाएगा क्या? हॉरिजॉन्टल प्लेन है, फ्रिक्शनलेस है। यस, क्योंकि सर, वो 1 kg पीछे रह जाएगा और फिर रोटेट हाँ ये कही करेगा। बात है ना, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करने लग जाएगा ना। अरे हाँ ना, बोल, यस सर, पक्की बात एकदम। तो सेंटर मास के अबाउट जब रोटेट करेगा, तो क्या इस रॉड के अंदर एक टेंशन डेवलप हो जाएगी, mv² / r या mω² / r, जो भी तुम कहना यस चाहो, यस सर, पक्की बात एकदम, वो टेंशन ही निकालनी है। उसके लिए ओमेगा निकालना पड़ेगा, ओमेगा के लिए आवाज कट रिलेटिव। रही है सर, बेटा फिर से आवाज कट रही है क्या मेरी? बोलो, मेरी आवाज आ रही है? अरे ओ सन्नाटो, क्या मेरी आवाज आ रही है? मैं ना इस कंपनी का कत्ल कर दूंगा भाई साहब, इंटरनेट वाली का। बेटा बताओ, मेरी आवाज आ रही है अब? बेटा बोले। अरे भाई साहब ये पॉज ही रह गई थी, चलो कोई बात नहीं, कर सकते हो तुम लोग, ये सवाल करा दूंगा तो अगला भी हो जाएगा, कोई नहीं, नोट्स बनाते हुए ध्यान रख लेना। जीरा, कोई बच्चा अगर नोट करना चाहेगा तो यहाँ से देख के नोट कर लेगा उसे। अभी सवाल करो, गलत मत करियो बिल्कुल भी एकदम। सेंटर मास निकालो, वी रिलेटिव निकालो, खत्म कर दो। अच्छा ये चल भी तो सकता था ना, चल सकता था तभी मेरी चर्चा पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता ना। हाँ ना बोल, यस सर, हाँ चलो कर दो, बस VCM निकालते ना तब प्रभाव पड़ता, वहां पर ये इसकी भी रखी जाती बस, और कुछ नहीं होता। या तुम कहो तो चला दूँ इसको भी, ऐसे रहने दो, बोलो। अगले में चला देना सर। चलो ठीक है, लो आ जाओ, देखो एक बार मैं करवाऊं। देखो सुनो, तो सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहले तो VCM निकालना होता है ना। तो VCM कैसे निकालेंगे बोलो? m1v1 + m2v2 / m1 + m2, अरे हाँ ना बोलो, है ना। तो 5 चौके 20 और 20 बटा 6, यही है ना। देखो मैं गलती ना करूं बस कैलकुलेशन में, तो 10 बटा 3 और m/s है ना। तो मतलब कि सेंटर ऑफ मास इतनी रफ्तार से चलेगा, मैं कहता हूँ यही होगा सेंटर ऑफ मास कहीं, और वो चलेगा 10 बटा 3 m/s की रफ्तार से। यार तुम्हें नहीं आया ना मैं क्या बोल गया, आए सर, है ना। आगे और यहां से सेंटर ऑफ मास कितना दूर है, बोल बोल कितना दूर है? 2 × 2/6, हाँ ना बोल, है सर, ना। 2 × 2 = 2, 2 × 4 = 2, 2 × 3 = 6, ठीक है। तो 2 बटा 3 m, ये भी कितना आया, 2 बटा 3 m। चलो आ जाओ, अब तो हो गया ना काम। ओमेगा क्या होता है? ओमेगा, ओमेगा होता है वी परपेंडिकुलर रिलेटिव और डिवाइडेड बाय आर, आर मतलब उन दोनों के बीच की दूरी। तो 10 बटा 3 - 5 - 10 बटा 3, फिर से कितना आया? अरे बोल, 5 - 10 बटा 3, 5 - 10 बटा 3, 30 - 10 कितना आया? 5 × 15 - 10, 5 बटा 3, अरे यार 5 बटा 3, और वो कितना आया, 2 बटा 3, 3 ने 3 को मार दिया तो 5 बटा 2, तो टेंशन कितना आया, m ω² r, तो 4 × ω² मतलब 25 बटा 4, और r, r कितना है, 2 बटा 3, 4 ने 4 को मार दिया, 50 बटा 3 इज द करेक्ट आंसर, आया तो है ही नहीं।
अरे बोलो आगे सर। तो जरूरी तुम इसको लेके करोगे, कोई बच्चा इसको भी लेके कर सकता है। तो वी परपेंडिकुलर रिलेटिव तुम्हारे लिए कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये जीरो है तो रिलेटिव कितना है, 10/3। अरे यार तू कर लेना, क्या है घबरा रहा है? देख कितना आया, देख 2 × ω2। ओमेगा स्क्वायर कितना आएगा, देख 10/3, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 2 − 2/3। अरे वो सन्नाटो, 2 − 2/3 तो 3 × 6 − 2 = 4/3, और उसका स्क्वायर तो ये आ गया 16/9, और इंटू अच्छा ओमेगा का स्क्वायर करना था ना, मैंने क्या कर दिया, ये ओमेगा का स्क्वायर करना था ना, ओमेगा निकालना जरा, इसके अबाउट ओमेगा निकालना। ओमेगा कितना आएगा, वी परपेंडिकुलर रिलेटिव और डिवाइड बाय आर, आर कितना था 4/3, 3 × 3 को मार दिया तो ये आ गया 100/16 ओमेगा स्क्वायर, और इंटू आर, आर कितना है, आर है 4/3। देख सही आंसर आया, देख फिर से तुम्हारे तोते उड़ गए ना, फिर से 4 × 4 = 16 × 5 = 25। अरे हाँ ना तो बोल, 50/3 कैसे भी कर ले, कान यहां से पकड़ ले चाहे यहां से पकड़ ले, बात तो एक ही है यार, नहीं आया ना आगे से, है ना। अब इन दोनों को भी चला सकते हो, क्या कह रही बेटा, कहाँ पे बताऊं बेटा, बताना एक बार जरा, समझ नहीं आया मेरे को क्या पूछा, जल्दबाजी नहीं करते, आ जाओ सुनो आराम से करते हैं, मेरे को तो लगा थोड़ा हो जाएगा बट चल कोई बात नहीं, देखो जल्दबाजी नहीं करते आराम से बताता हूँ, सुनो कोई घबराहट थोड़ी उसके अंदर, क्या बात हो गई। देखो कोई बच्चा चाहता तो सर बोले सर इसी से क्यों निकालू सर टेंशन में, तो यहां से निकालूंगा, मैंने कहा यहां से निकाल ले कोई बात नहीं, तो ये टेंशन है। तो एम ओमेगा स्क्वायर कहाँ लग रहा होगा, बाहर लग रहा होगा ना, एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, तो टेंशन इज इक्वल टू एम और ओमेगा स्क्वायर और आर, आर मतलब ये दूरी, ये दूरी कितनी है 2 − 2/3 है ना भाई, यहां से यहां तक की दूरी अगर 2/3 तो ये दूरी कितनी 2 − 2/3 ना, तो ये कितना आ गया 4/3 है ना, यस सर, आ गया 2 × 4/3। बस अब ओमेगा निकालना काम रह गया, और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है वी परपेंडिकुलर रिलेटिव और डिवाइड बाय आर, ठीक है, तो v परपेंडिकुलर रिलेटिव कितना है भाई, इसकी 0 और इसकी 10/3, तो v परपेंडिकुलर कितना आ गया 10/3 है ना, और r कितना है बेटा, r है 4/3, तो 4 और 3, 3 × 3 को मार दिया तो यह है 10/4, ठीक है, तो उसका स्क्वायर कर लो, ये कितना हो गया 2 × कितना हो गया 100/16 × 4 और डिवाइड बाय 3, 4 × 4 = 16 × 5 = 25 × 25 तो 50/3 न्यूटन। बेटा बोल समझ आया नहीं आया, नहीं आया, अरे हाँ ना बोलो, मैं 10 बार भी बता सकता हूँ, शर्माओ मत, शर्माओ मत, मैं 10 बार भी बता सकता हूँ बेटा, शर्माओ मत, हाँ दोबारा बताऊं, देख बेटा सुन, अगर यहां से तू एम ओमेगा स्क्वायर आर लगाएगी ना, देख तो टेंशन क्या आने वाला है, एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम है 2, ओमेगा स्क्वायर और आर कितना है 4/3, 4/3 कैसे लिखा भाई, यहां से यहां तक की दूरी 2 − 2/3 तो 4/3 आया, सेंटर मास यहीं पर है ना, अरे यार है ना, तो 4/3 आ गया, अच्छा तो 2 आया साथ में ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर मतलब कितना भाई, ओमेगा होता है वी परपेंडिकुलर रिलेटिव बाय आर, तो इसकी 0 और इसकी 10/3, तो v परपेंडिकुलरेटिव कितना है 10/3 और डिवाइड बाय r, r कितना है 4/3, तो 10/3 और 4/3, 3 × 3 को मार दिया, ओमेगा आ गया 10/4, उसका स्क्वायर हो गया 100/16, बस वैल्यू पुट करिए और आंसर, नहीं आया okay. अरे नहीं आया okay, पक्की बात एकदम, तो देख सवाल आसान है पर सेंटर ऑफ मास की मानता बताता है तुझे कि देख सेंटर ऑफ मास कहाँ हुआ तो क्या होगा, अब तू देख ध्यान से देख, सिस्टम चल भी रहा है रोटेट भी कर रहा है, ऐसा ही है क्या, देख सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है ना, लीनियर वेलोसिटी भी है और सेंटर ऑफ मास की एंगुलर वेलोसिटी भी है, यार हाना तो बोल, ओमेगा वही तो है, yes, है ना, तो सेंटर, yes, ये सिस्टम जो है ना चलेगा भी और घूमेगा भी, क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई, बहुत बढ़िया भाई साहब, शानदार जानदार एकदम, बताओ अभी तक की चर्चा किस किस बच्चे को एकदम ढंग से क्लियर है,